हमारे प्रोग्राम देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे जहन में छत्रपति शिवाजी की पिक्चर आती है और पेशवा बाजीराव की पिक्चर आती है और इसके आगे बढ़े तो लता जी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, लोकमान्य तिलक, यहाँ तक कि गोलवलकर जी, हेडग्वारकर जी और अनेक असंख्य क्रांतिकारियों को इस धरती ने जन्म दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की तो हम उस शख्स को कैसे बोल सकते हैं जिसको महाराष्ट्र की जनता टाइगर कहती है, टाइगर, टाइगर यानी बालासाहेब ठाकरे। माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल, जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही। बालासाहेब ठाकरे वो शख्सियत जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जिन्होंने जन्म लिया और अपने व्यक्तित्व, अपने प्रिंसिपल से वो एक सर्वोच्च, एक ऊंचाइयों तक जिन्होंने अपने आप जिनको छुआ, जिन्होंने छुआ। और हम बात करते हैं बाला साहब और शिवाजी के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग बाला साहब ठाकरे जी और शिवाजी में बहुत सिमिलरिटी हैं, बहुत समानताएँ हैं। समानताएँ जहाँ पर देखेंगे, इसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो बाला साहब ठाकरे और शिवाजी, शिवाजी का भी एक मध्यम कद था और बाला साहब का भी मध्यम कद था। शिवाजी प्रखर वक्ता थे और बाला साहब भी एक प्रखर वक्ता थे। शिवाजी जिन्होंने मराठा शक्ति को एकीकृत करके, इकट्ठा करके मुगलों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध का बुगल बजाया और मराठा शक्ति को हिंदुत्व के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और अपना छत्रपति शिवाजी जिन्हें अपना राजपाट कायम किया, उसी तरह बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे वो शख्सियत, वो शख्स जो कभी अपनी शर्तों, कभी शर्तों से ना कभी समझौतों में जिया, कभी नहीं जिए, वो अपने प्रिंसिपल में हमेशा आगे बढ़ते रहे। प्रिंसिपल के साथ कभी उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया ज़िंदगी में। अब हम बात करते हैं यहाँ हम इस इंसान की शख्सियत का, इस इंसान की विचारधारा का हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। ये कभी ना MP रहे ना MLA रहे, लेकिन फिर भी इनकी जुबान से निकला हुआ एक वाक्य, अगर वो कह देते थे कि महाराष्ट्र बंद, तो पूरे लोग, पूरे महाराष्ट्र के लिए उनका एक शब्द भगवान के वाक्य जैसा होता था और लोग अंतर आत्मा से उनके जो भी आदेश होता था उनका पालन करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। और बाला साहब के एक व्यक्तित्व के बारे में, वो कार्टूनिस्ट थे और एक हृदय भी बहुत उनका कोमल था और वो शायर भी थे, वक्ता भी थे, सभी गुणों का समावेश इकट्ठा करके अगर कोई शख्सियत बनती हो, बाला साहब ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कभी भी किसी के दरवाजे पर नहीं गए, लेकिन उनके बारे में एक बात मशहूर है कि जो भी उनके दरवाजे में आया, बड़ी परिस्थितियों हैं ज़िंदगी में कि दुनिया के महान महान लोग उनके खुद घर पर चल कर आए, चाहे महान लोग हों चाहे महाराष्ट्र का एक आम इंसान हो, जो भी उनके घर में आया कभी वो खाली नहीं गया। अब इस बात की हम बात करें कि जब, यहाँ तक कि जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी थी इंदिरा जी को, तब भी बाला साहब ने उनकी मदद की थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इनके व्यक्तित्व के लिए। लेकिन उन्होंने इतना कुछ होते करते हुए भी अपने एक विचारधारा को जीवित रखा लोगों के, आवाम के बीच के अंदर। बाला साहब की विचारधारा एक थी, अखंड हिंदू राज्य की स्थापना करना। इसको देखते हुए बाला साहब ठाकरे ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। उसके बाद उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। शिवसेना का मतलब जिसको हम देखें कि शिवाजी से रिलेटेड उन्होंने काम किए। जो पैटर्न छत्रपति शिवाजी का था, वही पैटर्न बाला साहब ठाकरे का था। बाला साहब ठाकरे कभी किसी राजनीतिक में नहीं गए और राजनीतिक धुरंधर कोई भी नहीं है हिंदुस्तान का जो बाला साहब ठाकरे के पास खुद चलकर ना आया हो। बाला साहब, आज का जो माहौल है, आज का जो शिवसेना के बारे में बात करेंगे, जिस तरह से हम जानते हैं शिवाजी के बेटे शंभाजी थे, शिवाजी के जाने के बाद मराठा शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। इसी तरह से बाला साहब जब गए, उसके बाद उद्धव ठाकरे उनके बेटे जिन्होंने शिवसेना की कमान संभाल ली, वो भी कोई MLA नहीं थे, लेकिन अभी वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। लेकिन वो किस परिस्थितियों में चीफ मिनिस्टर बने हैं, यहाँ पर बात देखनी होगी। बहुत बड़ी बात है कि ये गठबंधन NCP और कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन था और इस गठबंधन पर बाला साहब की क्या प्रतिक्रिया थी, वो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। हाँ, वो तो इतनी मतभिन्नता और ऐसे झगड़ते रहेंगे, मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा मैं,
मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूं कि ये मैं मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग नहीं चाहिए, शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है, इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो एक इस ढंग से करो, बस ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंडट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूँगा पार्टी, और उसकी खुद की एक पार्टी निकल जाती है। कोई और नहीं। अभी फैमिली प्लानिंग करना हो तो पॉलिटिकल पार्टीज का करो। लेकिन फिर भी ये गठबंधन हुआ। अब जहाँ तक परिस्थितियों की बात है, इसमें आदित्य ठाकरे जी ने कुछ दिन पहले गठबंधन पर अपनी स्टेटमेंट दी कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन ठीक था और हमने इतने 25 साल इकट्ठा काम किया, हमें दिल्ली से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, हमें उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन स्टेट बीजेपी एक लीडर नहीं हमें दे सकी, जिसके कारण हमें गठबंधन को बीच में छोड़ना पड़ा। अब ये बात है उद्धव ठाकरे जी के कंधों पर। उद्धव ठाकरे जी ने एक बात तो साबित कर दी शब्दगान समारोह के दिन कि उन्होंने जब शब्दगान समारोह किया तो उसके पीछे जो किला रूपी जा मॉडल था वो शिवाजी के किले से बिल्कुल मेल खाता था। यानी उन्होंने दिखा दिया कि शिवसेना आज भी बाला साहब जी के कथनी पर पूरी तरह से खड़ी है। लेकिन ये देखना है कि फ्यूचर के अंदर कि एनसीपी और कांग्रेस जो सेक्युलरिज्म है और शिवसेना का जो कंसेप्ट है हिंदुत्व का, उद्धव ठाकरे जी किस तरह से दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी के कंधे पर शासन का चीफ मिनिस्टर बनना बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बाला साहब का अथाह साम्राज्य उनको आगे लेकर जाना, उनके जो विचारधारा थी उनको आगे लेकर जाना, उनका जो एजेंडा था लाइफ के प्रति, जो उनके कॉन्सेप्ट थे हिंदुत्व के, उनको भी आगे लेके जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और यही बात बाला साहब ठाकरे की, वो शख्सियत कभी कभी हमें भी प्राउड होता है कि हमारी हिंदुस्तान में इस तरह के लीडर आए जिनको लोग टाइगर कहते थे, जो गरीबों में से उभर कर गए। और बाला साहब के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बाला साहब की जब मृत्यु हुई, ये बहुत बड़ी बात है कि बाला साहब ना ही कोई एमपी थे ना ही एमएलए थे, फिर भी 21 तोपों की उनको सलामी दी गई। और ये 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही दी जाती है, यानी हिंदुस्तान के अवाम ने, प्रशासन ने, सरकारों ने उनका इतना इज्जत मान किया मृत्यु के बाद भी। और जो विशाल अथाह जन समूह था उनके मृत्यु के समय, विशेषज्ञों ने ये कहा है कि इतना विशाल जन समूह लोकमान्य तिलक जी के बाद किसी की मृत्यु पर इतना रश हुआ महाराष्ट्र के अंदर, ये बहुत बड़ी बातें हैं बाला साहब के लिए। बाला साहब ये हमारे लिए भी खुशकिस्मती है व्यक्तिगत तौर पर, मेरे लिए भी, कि मैं उस महान शख्सियत के बारे में आज अपने दर्शकों को मैंने बताया। यही मेरी तरफ से श्रद्धांजलि उस महान क्रांतिकारी के प्रति। और हम ये आस भी करते हैं कि हिंदुस्तान की धरती में कि कहीं ना कहीं फिर बाला साहब जैसा कोई रूप उभर कर आएगा जो सभी को इकट्ठा करके राजनीति में एक मिसाल कायम कर देगा। ये थे मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टाइगर बाबा बाला साहब ठाकरे के। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।